किसी भी सांप को देखते ही दहशत से गिग्गी बन जाना आम बात है, भले ही सांप जहरीला हो या ना हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्राइमरी स्कूल के एक हेडमास्टर ने स्कूल के कमरे में घुसा सांप हाथ से पकड़ लिया। प्राइमरी स्कूल मास्टर के इस अवतार को देखकर हर कोई दंग है। हाथ में चौक लेकर कक्षा में बच्चों को ABCD और क ख ग सिखाने वाले गुरुजी का हरियाणा जिले के एक प्राइमरी स्कूल में अनोखा अवतार देखने को मिला। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने हाथ से सांप पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हिसार जिला के बरवाला क्षेत्र के बालक गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल रोजाना की तरह आज भी लगा हुआ था। क्लास में बच्चे मौजूद थे, इसी बीच एक बच्चे की नजर एक सांप पर पड़ी। सांप भी छोटा ही नहीं था बल्कि लंबाई में इतना बड़ा था कि देखने वाले के पसीने छूट जाए। क्लास में से बच्चे बाहर आ गए। इसी दौरान मौके पर पहुंच गए स्कूल के हेडमास्टर ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने एक डंडे की सहायता से सांप को पहले फर्श पर रोका, उसके बाद उसे हाथ से ही पकड़ लिया। सरकारी स्कूल के गुरुजी का कमाल देखकर हर कोई दंग था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ईश्वर सिंह सांप को पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। सांप को पकड़ने के बाद उसे हाथ में ही स्कूल के ग्राउंड में ले गए। बच्चे ईश्वर सिंह और उनके हाथ में मौजूद सांप को हैरानी भरी निगाहों से देखते नजर आए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।